सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। बहुत सारे भक्तों ने अनुरोध किया है कि सोरायसिस, एक्जिमा, स्कैबिस यानी ये सब जो स्किन डिजीज हैं, चर्म रोग हैं, जिसमें दांत, खाज, खुजली, जो रिंग वर्म हो जाता है, उसके लिए छुटकारे के लिए कोई उपचार बताया जाए। तो पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आखिर ये सब किस मनोदशा की वजह से होते हैं। पहले तो मन को समझना पड़ेगा। जब व्यक्ति इससे भयभीत रहता है कि कोई मुझे चोट पहुंचा देगा, यानी कोई मानसिक आघात करेगा, कोई मुझे मेरे ऊपर व्यंग वाणी छोड़ेगा, तो कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, सामाजिक नुकसान पहुंचा सकता है, या जान माल का भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो वह व्यक्ति भयभीत हो जाता है और उसकी वजह से शरीर में जो जहर बनते हैं वे काफ़ी ज़्यादा सहयोगी होते हैं उस तरह के फफूंद को और बैक्टीरिया को पनपने के लिए, जिससे कि ये सब रोग होते हैं। जब व्यक्ति अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को खो देता है, यानी अपना आत्मसम्मान नहीं कर पाता है, जब वह स्वयं जो नियम बनाता है उसका पालन वह स्वयं नहीं कर पाता है, और जब आदर्श स्थिति से जब वो गिर जाता है तो हीन भावना से शिकार हो जाता है, तो हीन भावना से ग्रस्त लोग भी इस रोग की चपेट में आ जाते हैं। ये जो जितने रोग बताया हूँ मैं, चर्म रोग, ये सब इनके चपेट में आ जाते हैं। एक और इसका कारण यह है कि जब व्यक्ति के विचारों में प्रदूषण होता है तो भी यह रोग हो जाता है। और एक और मुख्य कारण में से है कि जब वह अपने शत्रुओं को अपने ही इर्द गिर्द पनपने का मौका देता है तो ऐसी स्थिति में भी यह रोग हावी हो जाता है। और जब व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाता है, भीतर ही भीतर कूड़ता रहता है, उसमें जलन की भावना ज़्यादा होती है, तो भी यह रोग हावी हो जाता है। तो इन सब मनोदशाओं से यह रोग हावी होता है। तो अपने मानसिक स्तर पर इस तरह की चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे और उसको दूर करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और मन की जो समस्या है वो मन से ही दूर होती है, यानी इन तरह की जो भावनाएं आप में हावी हुई हैं उनको धीरे धीरे आप छांटते जाइए। और अगर अपने शत्रुओं के प्रति जो है कठोरता दिखलाएं, साहस दिखाएं, डब्बू बनकर डर बनकर के न रहें, घबराएं नहीं बहुत, अगर आप कमज़ोर भी हैं तो भी आपको ऐसा दिखाना चाहिए कि आप मजबूत हैं और आप कार्रवाई कर सकने में समर्थ हैं या कर सकेंगे या करेंगे, तो जिससे कि आप अपना बचाव कर पाएँ। तो ऐसी मनोदशा से क्या होगा कि आप में एक रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा तो बीमारी दूर होगी। अब उसके बाद खान पान और रहन सहन की बात करूँ मैं, तो जो ज़्यादा खट्टा भोजन लेते हैं, ज़्यादा मीठा भोजन लेते हैं, वे इस रोग की चपेट में आ जाते हैं। खट्टा और मीठा का जो कॉम्बिनेशन है भोजन में वह इसके लिए बहुत खतरनाक है, घातक है। तो गुड़ खाना छोड़ दें, चीनी खाना छोड़ दें और खट्टी चीज़ों का सेवन छोड़ दें। जो भी जीभ को खट्टी लगे, चाहे इमली हो, आम की खटाई हो, दही हो, छाछ हो, कुछ भी खट्टे हों, उनको आप छोड़ दें।
और शरीर में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तनाव से, हीन भावना से ग्रस्त होने से, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होने से तनाव बढ़ जाता है। बहुत महत्वाकांक्षाएं, बहुत कुछ आदमी पूरा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, उतना समर्थ नहीं है, तो भी हताश हो जाता है वह, और उससे भी यह रोग हो जाता है। तो शरीर में जो तनाव हो जाते हैं, जो रसायन बनते हैं, उसके कारण शरीर जो है एसिडिक हो जाता है, यानी अम्लीय हो जाता है। तो अम्ल की प्रवृत्ति शरीर में बहुत बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको एक काम करना है कि सुबह शाम दोनों ही टाइम एक एक चम्मच खाने वाला सोडा घोल करके पिया करें। इससे शरीर का आपका एसिड जो है घट जाएगा और शरीर में अल्कली की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको रोगों से छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ यह बताता हूँ कि जैसे मौसम बदलता है, जब बहुत गर्म और नमी, ये दो चीज़, गर्म और नमी, ये दो चीज़ का जब संयोग होता है तो ये चर्म है। यदि देखेंगे कि बरसातों में चर्म रोग ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है कि नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और गर्मी भी होती है। तो नमी और गर्मी से आप बचें, ज़्यादा मौका देंगे नमी और उसको, तो ये पनप जाएगा। और सफाई से रहें, नहाएं अच्छा से और मल मल के नहाएं। और एक चीज़ से और ये पनपता है कि कई तरह के भिन्न भिन्न तरह के जो साबुन आते हैं, जो पौष्टिक होता है, पौष्टिक इसके लिए बहुत नुकसानदायक है, तो पौष्टिक के सेवन से बचें। और हर एक साबुन में पौष्टिक होता है, पौष्टिक सोडा होता है, उसे बढ़ता है, तो साबुन के प्रयोग से बचें। मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, हल्दी वगैरह लगा सकते हैं, उससे आप, हल्दी है, दूध है, उससे आप नहा सकते हैं। तौलिया से रगड़ रगड़ करके नहाएं तो वह आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। और इस तरह के कपड़ों को न धारण करें जो कपड़े बहुत तंग हो, जैसे बहुत जींस हो गया, कितने लोग जींस पहन करके ही सो जाते हैं, जूते पहन के, मोजे पहन के ही सो जाते हैं, शरीर को हवा नहीं लगती। जब शरीर को हवा नहीं लगेगी तो जीवाणु खुले बदन में डालने की कोशिश करें। ज़्यादा पहनना, बहुत बंद पहनना, खुला खुला अंडरवियर जो पहना जाता है जिसमें हवा का प्रवेश होता है, तो वह इसके लिए लाभकारी है। यदि ऐसा नहीं है तो आप अंडरवियर बहुत समय उतार करके भी रहा करें, क्योंकि उससे भी यह रोग होता है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है कि खून का संचार चमड़ी में सही ढंग से नहीं है तो भी यह रोग बढ़ जाता है। खून का संचार शरीर में बढ़ना चाहिए। खून का संचार बढ़ाने के लिए आपको भिन्न भिन्न तरह के योग को करना है, जिससे कि खून का संचार बढ़ जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करनी है। और जितना ही ज़्यादा आप आसन और प्राणायाम को करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लाभ में होंगे। विशेषकर वे प्राणायाम जो कि खून के संचार को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं, तो इसमें कपालभाति है, हमारे कपालभाति का वीडियो है, उसको आप देख लें, भस्त्रिका है, ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर लोड हैं। और उसको मैं यहाँ पर बहुत दोहराना नहीं चाह रहा हूँ, आप उन्हें खोल करके देखें। और नाड़ी शोधन प्राणायाम को अवश्य करें और अनुलोम विलोम को करें, आदित्य प्राणायाम को करें और सूर्य भेदी, चंद्र भेदी को करें, और साथ में नख घर्षणासन को करें। नख घर्षणासन में बता देता हूँ कि ये इसको पकड़ के इस तरह से किया जाता है।
ये चरण रोग के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को चलाएंगे, जोर से चलाएंगे, और जब इसको चलाने के बाद जब आप छोड़ते हैं तो आपको झुनझुनी मालूम पड़ेगी, और ये झुनझुनी जहाँ तक जाएगी वहीं तक आपको ठीक करेगी। अगर ये यहाँ तक आ रही है तो यहीं तक ठीक करेगी, यहाँ तक आ रही है तो यहाँ तक ठीक करेगी। जितना जोर से जितना देर तक आप करेंगे उतने ही दूर तक ये जाएगी। जब ये यहाँ तक जाएगी तो पूरे शरीर को ठीक कर देगी। तो इसको यहाँ तक पहुँचाने का, सिर के एकदम ऊपर तक पहुँचाने का आपको प्रयास करना है। ये चर्म रोग के लिए बहुत ही अच्छा है। दो टाइम करेंगे सुबह शाम, वो आपको भरपूर लाभ पहुंचाएगा। अपने जहाँ पर आपको ये सब रोग हुआ है तो आप नीम के पत्ते को ले लें, घृत कुमारी इसको एलोवेरा भी बोलते हैं उसको ले लें, एलोवेरा को खाएं भी, उसके जो जेल है उसको खाएं, और नीम के कुछ पत्तों को भी खाएं, तुलसी के पत्तों को खाएं, गिलोय को खाएं, सब मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि एक बड़ा चम्मच वजन। इस तरीके से आपको ये मात्रा लेनी है कि एक बड़ा चम्मच हो जाए, और खाली पेट लें इनको सुबह सुबह में। अमरूद, अमरूद का जो नया नया पत्ता होता है उसका सेवन करें, और चिरायता का सेवन करें, अंजीर का सेवन करें, तो काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। और दोनों टाइम खाना खाने के पहले खाली पेट इनका सेवन करें तो बहुत लाभकारी होगा। और लगाने के लिए आप चाल बोंगरा का तेल है, बाकुची का तेल है, नीम का तेल है, और इसमें जो है कुछ पिपरमेंट और कपूर मिला लें, और नीलगिरी का तेल मिला लें, तो बराबर बराबर मात्रा में रखेंगे, और इसमें सिंदूर डाल दें और फिटकरी डाल दें, और सिंदूर और फिटकरी डाल करके और उसमें कपूर वगैरह सब डाल देंगे, फिर आपका एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा, और उस पेस्ट को आप होते हैं शरीर में वो बहुत लाभ करेगा। दवाओं में एंटीबायोटिक्स वगैरह इसके लिए आती है बाज़ार में, तो आप एंटीबायोटिक दवाओं को ले सकते हैं, ये भी लाभ करती हैं। लेकिन मुख्य रूप से तो आपको योग पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, और जो योग जिन योगों को मैंने बताया है वो 108 बार आपको करने हैं, ये ध्यान रखिए। या नहीं कि दो चार बार किए सिर्फ और फिर आप शिकायत करेंगे कि ये नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपको प्राणोपैथी करना है। प्राणोपैथी में श्वास को रोक देते हैं, अधिक से अधिक देर तक रोकने की कोशिश करनी है, और आपका लक्ष्य 3 मिनट तक रोकना, 6 बार की कोशिश में। आप प्राणोपैथी का भी वीडियो है, उसको आप लोग देख लेंगे, वह काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा थोड़ा प्राणायाम करना है, जिसमें कि ओंकार का उच्चारण होता है, ओम की मात्रा होती है, जिसे इस वीडियो की शुरुआत में मैंने ओम बोलते हुए किया है, इसे आपको उच्चारण करना है और 108 बार तक करना है। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आप दांत, खाज, खुजली इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ओम।